सोलन में कुछ दिन पहले एक महिला ने तांत्रिक पर आरोप लगाया था कि उसे पूजा करने के बहाने सुनसान और वीरान जगह पर ले जाया गया, जहां उसे बांधकर फना गांव के तांत्रिक और चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं महिला ने एक और बयान भी दिया था कि जब वह सुनसान जगह पर गई थी तो उसके साथ एक और महिला भी थी। पुलिस काफी समय से उस महिला की तलाश कर रही थी और सोलन पुलिस अपने अभियान में कामयाब भी रही। जांच में पाया गया कि ये महिला भी तांत्रिक और उसके चेले की हवस का शिकार हुई थी। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान पर दूसरी पीड़ित महिला को भी खोज लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला के बयानों को लिखा जा रहा है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन के बसुंधरा कॉलोनी के निवासी लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग की वजह से उनका जीना मुश्किल हो चला है, क्योंकि विभाग द्वारा बरसाती नाले के पानी का रुख उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बरसात का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है। उनके पीने की पाइपें भी पानी के बहाव में जलमग्न हो जाती हैं, जिसके कारण उनका पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। उन्होंने कई बार इस बारे में विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बसुंधरा कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग ने बरसाती नाले का मुख उनकी कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया है, जिसकी वजह से गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है। जहाँ से ये नाला आता है, वहाँ से ही उनके पीने के पानी की पाइपें भी गुजर रही हैं, जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा है और वह गंदा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस नाले का मुख उनकी ओर मोड़ा गया है, अगर उसे सीधा सड़क के किनारे बने नाले में जाने दें तो उसकी इस समस्या का हल निकल सकता है, जिसके लिए वे कई बार शिकायत जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने आउटसोर्सिंग के तहत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां करने को लेकर मुख्यमंत्री और आईपीएच मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का राग अलपाने वाली सरकार की आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या होगी। कहीं चोर दरवाजे से अपनों को एडजस्ट करने के लिए सारा प्रपंच रचा गया है। यदि ऐसा है तो फिर कहां गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ईमानदारी। इस मसले को अब वे 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के सत्र में जोरों शोरों से उठाएंगे। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी से संबंध रखने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला बकायदा कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। क्या कोई मेरिट बेस पर नियुक्तियां होंगी या फिर कोई और तरीका अपनाया गया है, इस बात को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगार की एक लंबी फौज है और डिग्री डिप्लोमा दार युवा सालों से नियुक्तियों की राह ताक रहे हैं। यदि सरकार आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियों का रास्ता अपनाती है और अपने लोगों को एडजस्ट ही करना है तो फिर उन पढ़े लिखे हजारों नौजवानों बेरोजगारों का क्या होगा। यही नहीं, पिछले 8-8 सालों से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रतिनिधिमंडल का आश्वासन दिया था और कहा भी था कि इसके लिए एक नीति का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हो सका, जिससे ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर के अनुसार पता चला है कि पूर्व में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त लोगों को बाहर करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए 2 ठेकेदारों को जिम्मा दिया गया था। ये ठेकेदार इन दिनों विधायक और पूर्व विधायकों से भाजपा से नाता रखने वाले लोगों को एडजस्ट करने के लिए लिस्टें मांग रहे थे बिलासपुर जिला में। तो पिछले कल ठेकेदार द्वारा विधायकों से मीटिंग कर ये कार्यवाही पूरी की गई। एक एक विधायक से
12 से 15 लोगों की लिस्ट ली जा रही है। इसके तहत नैना देवी हलके से 4 लोगों के नाम लिस्ट में डाले जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। ये भी पता चला है कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वालों को पहले दिल्ली और फिर उन्हें नियमित करने की योजना है। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर अपने लोगों को विभिन्न विभागों में एडजस्ट करने के लिए तरीका अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि जब आउटसोर्सिंग पर नियुक्त एक कर्मचारी ने बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर इत्यादि जिलों का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार से पूछा कि पहले नियुक्त लोगों का क्या होगा, तो जवाब मिला कि आईपीएच मंत्री की ओर से आदेश जारी हुए हैं और वही इस पर फैसला करेंगे। खास बात यह है कि उस व्यक्ति ने मोबाइल पर ठेकेदार के साथ हुई सारी बात रिकॉर्ड कर ली। ऐसे में आईपीएच मंत्री से सवाल है कि सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रजातंत्र में ये कौन सा फॉर्मूला है। वैसे तो आईपीएच मंत्री को किसी संस्था ने बेहतर कार्यों के लिए अव्वल मंत्री का दर्जा देते हुए पुरस्कृत किया है, लेकिन मंत्री बताएं कि चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने के लिए यह तरीका क्या सही है।